की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा रिलीज हुई है, लाइक 1000+ आपकी पोस्ट रिलीज़ करी गई है। सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा लाएगा, लाइक आपका 1 लाख के अप्रोक्स सैलरी स्केल चल जाता है। बाकी वो डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो। उसके अलावा आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, लाइक आपको DA, HRA, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल लीव, आपको और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। प्लस कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, वो कैटेगरीज लाइक SC, ST, PWD एंड वुमेन एप्लीकेंट। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इवन यहाँ पे आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10+2 इन सबके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी के सारी डिटेल मैंने आपके लिए वीडियो में कवर कर दिया, तो बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एडवर्टीजमेंट है, काफ़ी अच्छी एडवर्टीजमेंट रिलीज़ करी गई है। सबसे अच्छी बात है कि आपके एक पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, एंड टोटल वैकेंसी आपकी रहेगी 1061। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करी गई है। वन बाय वन हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। लास्ट डेट रहेगी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 7th of December। उसके अलावा यहाँ पे आपको सैलरी स्केल के अलावा अलाउंसेस भी मिलेंगे हर टाइप का, लाइक DRNs, HRA, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल लीव, मेडिकल फैसिलिटीज़, और भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा था एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 100 रुपीज़ फॉर जर्नल के मेल एंड OBC के मेल कैंडिडेट के लिए, एंड देयर विल बी नो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर कैटेगरीज लाइक SC, ST, PWD एंड वुमेन एप्लीकेंट। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। इवन अगर हम मैं बात करूँ मेल कैंडिडेट के, तो उनकी भी एप्लीकेशन फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको और प्रोसेस मेंशन कर रखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्वालिफिकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको हर पोस्ट के अकॉर्डिंग पता चलेगा, वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, रिलैक्सेशन मेंशन कर रखी है, ये आपकी नोटिफिकेशन 5 पेजेस की रहेगी, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट से पोस्ट रिलीज़ करी गई है। ठीक है, आपकी पोस्ट रिलीज़ करी गई है DRDO से, सेप्टम से। उसके अलावा यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है फर्स्ट पोस्ट रहेगी आपकी जूनियर ऑफिसर की। मास्टर डिग्री हो आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में, आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिलैक्सेशन मिलती है वो कैटेगरीज लाइक SC, ST एंड OBC। ठीक है, या और भी आपको मेंशन करके बैचलर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो, फिर उसके साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए। काफ़ी अच्छी है, ज़रूर अप्लाई करना। उसके बाद आती है स्टेनोग्राफर Grade 1 की पोस्ट, यहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका टेस्ट होगा डिक्टेशन का, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। पे लेवल कितना अच्छा मेंशन कर रखा है, लाइक 1,12,000 तक आपको मैक्सिमम पे जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट आती है स्टेनोग्राफर की, यहाँ पे आप प्लस टू के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि वो डिक्टेशन का, तो यहाँ पे आपको मेंशन भी कर रखे कौन से टाइप के टेस्ट होंगे, मोस्टली आपके डिक्टेशन या टाइपिंग के टेस्ट होंगे जिसमें मेंशन कर रखे हैं। उसके अलावा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, प्लस टू के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन हिंदी, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों को रिलीज़ हुई है, तो यहाँ पे आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट रिलीज़ करी गई है, प्लस टू पास हो अप्लाई कर सकते हो। सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट रिलीज़ करी गई है, प्लस टू पास हो अप्लाई कर सकते हो। व्हीकल ऑपरेटर में 10th पास अप्लाई कर सकता है। फायर इंजीनियर, फायरमैन में आप 10th और प्लस 2 के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। इवन यहाँ पे आपको कोई टेस्ट भी नहीं होगा, डायरेक्ट आपका यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट आती है यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, स्टेनोग्राफर की, स्टोर असिस्टेंट की। यहाँ पे आपको अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन कर रखी है, लाइक जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में आपकी नंबर ऑफ पोस्ट पड़ेगी 33, एंड स्टेनोग्राफर Grade 1 में 215, स्टेनोग्राफर Grade 2 में 123, ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट में 41, स्टोर असिस्टेंट में 4, इन हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग में ज़्यादा है लाइक 134, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए में 240 इन हिंदी एंड इन इंग्लिश दोनों में पोस्ट रिलीज करी गई है। नेक्स्ट है व्हीकल ऑपरेटर में 145, फायर इंजन ड्राइवर में 18 एंड फायरमैन में 86। ठीक है, ये आपकी पोस्ट है, यहाँ पे आपको सारे डिटेल मेंशन कर रखी है कौन सी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा रिलैक्सेशन मैंने कहा था, लाइक यहाँ पे OBC वालों को 3 ईयर्स एंड SC ST वालों को 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है, वो आपको मेंशन कर रखी है। एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपको एग्ज़ाम सिटीज़ मेंशन कर रखी है, इन पर्टिकुलर सिटी में आपका सेंटर आ सकता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो डिटेल आपको दे रखी है, यहाँ पे आपको उनके ऑफिशियल साइट पे जाना है, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, रिजेक्शन कैसे होता है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया अच्छे से, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अटैच नहीं किए, जो फोटोग्राफ का साइज था उसके अकॉर्डिंग अटैच नहीं किया आपने फोटोग्राफ, तो यहाँ से आपके चांसेस हो जाते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आप एक मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इट इज़ ऑल्सो फाइन,
उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है, स्किल टेस्ट होगा, ये चीज़ें आपको कराई जाएंगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आपको दे रखा है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, लाइक सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपका एग्जाम होगा, उसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे जनरल इंग्लिश के, जनरल हिंदी के, एंड 75 क्वेश्चंस होंगे आपके रीजनिंग या इन सबसे रिलेटेड। ठीक है, ये आपका एग्जाम का सिलेबस था, ये आपको चीज़ें मेंशन कर रखी है, आप रीड कर सकते हो, बाकी मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। यहाँ पे आपको QR कोड दे रखा है, स्कैन करके डायरेक्ट इसकी साइट पे चले जाओ, अदरवाइज इसकी ऑफिशियल साइट पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, अब इसकी ऑफिशियल साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है। करियर वाले सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको एक और सेक्शन मिलेगा अदर रिक्रूटमेंट्स का, आपको इस पर क्लिक करना है, एक और इंटरफेस पर ये रीडायरेक्ट करेंगे आपको, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको एक अपना सेक्शन मिलेगा सेप्टम 10 A&A, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये वाली पुरानी है। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक और इंटरफेस पर ये आपको रीडायरेक्ट कर देंगे, तो ये आपका वो इंटरफेस रहेगा, यहाँ से आपको अपनी नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन करके क्लिक हियर फॉर दी एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से आप अपनी अपनी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आपको देखो मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टीजमेंट का, कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी, कुछ FAQs है आप यहाँ से देख सकते हो, और यहाँ से आप अपनी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। सारा प्रोसीजर इसी पेज पे आपको मेंशन कर रखा है, ध्यान से देखना। ठीक है, बिल्कुल आराम से अप्लाई करना, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 7th of December है ये, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना, अदरवाइज अप्लाई ज़रूर करना। एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ऊपर से जर्नल वालों के मेल कैंडिडेट के लिए भी खास एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस भी आता है आपको अप्लाई करने के बाद। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।